बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जियां तो आपने भिंडी की कई बार खाई होंगी, आज हम भिंडी से बनाएंगे नेचुरल कैरेटिन। इससे जो हमारे बाल सूखे और बेजान होते हैं उससे बहुत शाइन आ जाएगी बालों में और बाल सीधे हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने ये फ्रेश भिंडी ले ली है, उसको ये नीचे का और ऊपर का हिस्सा उसका अलग कर देंगे और उन्हें छोटी छोटी ऐसे काट लेंगे। भिंडी काट ली है, अब इनको एक पैन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे भिंडी अपनी। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख लीजिए, आपके बाल जितने लंबे हैं उस हिसाब से आप भिंडी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हाफ ग्लास ये पानी है छोटा, और इसको गलने के लिए रख देंगे ढककर। 15 से 16 मिनट में ये अच्छी तरह से गल जाएंगी, तो इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इन्हें गला लेंगे। देखिएगा भिंडी को 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, ये पानी हमारा गाढ़ा हो गया है। इसको मेन मकसद जो पकाने का है, इसका जो ये राला सा होता है वो बाहर आ जाए और भिंडी गल जाए। अब जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब इस भिंडी को इस ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का ठंडा करके इसे पीस लेंगे। एक पेस्ट तैयार हो गया है, अब इसको छन्नी में डालकर छान लेंगे। ये इजीली छन जाएगा, आप इसे बारीक कपड़े में भी छान सकते हैं। अच्छे से छान लेंगे, ये देखिए ये एक पतला सा अभी हमारे पास बैटर तैयार हो गया है। एक हम प्याली लेंगे, उसमें 1 से 2 चम्मच छोटे चम्मच पानी के लेंगे और उसमें 1 चम्मच ये कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और उसको इस पानी में घोलकर इस बैटर में इसको मिला देंगे। पॉट को हमने गैस पर रख दिया है और इस लिक्विड को फिर से हम पकाएंगे। ये अभी जो पतला हो रहा है ये पककर गाढ़ा हो जाएगा और ये जो इसमें वाइट सा अभी दिख रहा है ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। इसको चलाते हुए पकाना है क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है, नहीं तो इसमें लम्स हो जाएंगे। और ये देखिए इसका कलर भी एकदम ग्रीन हो गया है, ये बिल्कुल नेचुरल है, इससे कोई भी बालों को साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये देखिए 2 मिनट में ही ये इतना गाढ़ा सा हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये भिंडी का नेचुरल कैरेटिन हमारा तैयार हो गया है, अब इस ठंडा हो गया है, इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच ये ऑलिव ऑयल डाल देंगे हम, आप इसमें आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर नारियल का तेल भी डाल सकते हैं, आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। और इसको एक मिक्स कर दीजिए और इसको ब्रश के हेल्प से अपने बालों में लगा लीजिए। ये बहुत ही नेचुरल है और 1 से 1.5 घंटा आप इसे बालों में लगा रहने दीजिए। उसके बाद माइल्ड से शैम्पू से वॉश कर लीजिए हेयर वॉश, इससे बाल जो है बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे। और 1 हफ्ते में आप ये 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तो आप भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए कि आपको ये कैसी लगी।